बिलासपुर में जिला कांग्रेस द्वारा कृषि विधेयकों के खिलाफ रोष मार्च निकाला गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर सहित जिला के पूर्व विधायक व पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी अध्यक्ष के बिलासपुर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद रोड शो और फिर कुलदीप राठौर ट्रैक्टर पर बैठकर किसानों की पैरवी करते दिखाई दिए। रोड शो के बाद कदरौर में किसान सम्मेलन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय किसानों ने भाग लिया। मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कुलदीप राठौर ने कृषि विधेयकों को काला कानून बताते हुए किसानों के इंटरेस्ट को बड़े पूंजीपतियों के हाथों में बेचने के आरोप लगाए। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा काला कानून वापस न लेने तक कांग्रेस पार्टी का आंदोलन जारी रखने का दावा भी किया। अपने रोड शो के दौरान कुलदीप राठौर प्रदेश सरकार को घेरते नजर आए और कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार फैलने व स्वास्थ्य सेवाएं लाचार होने के प्रदेश सरकार की बड़ी लापरवाही करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक और मंत्री संक्रमित हो रहे हैं और दूसरों को भी संक्रमित कर रहे हैं, जिसका उदाहरण बंजार के विधायक कोरोना पॉजिटिव निकले, साथ ही सीएम जयराम भी क्वारंटाइन हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान आपदा के अवसर भुनाने में भी जयराम सरकार पीछे नहीं हट रही है, उनके मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, विजिलेंस की जांच की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जन चेतना के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का काम करेगी। देखिए, आप अभी जो केंद्र सरकार का निर्णय आया है, जिसमें काला कानून संसद में पारित किया है, पूरे देश में जो किसान हैं सड़कों पे आए हैं, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, क्योंकि ये काला कानून जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, इससे किसानों का भविष्य जो है अंधकार में है। इन्होंने किसानों के जो इंटरेस्ट है वो बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनके हाथों में जो है भेज दिए हैं। इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश में किसान संवाद शुरू किया है। पिछले कल मैं सिरमौर ज़िले में था, जहां भारी संख्या में हमने किसानों से बातचीत की और सैकड़ों जो ट्रैक्टर रैली में ट्रैक्टर शामिल हुए, लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है। आज बिलासपुर मैं दूसरे चरण में हम बिलासपुर में करने जा रहे हैं, कल कांगड़ा और 10 तारीख को किसानों का सम्मेलन जो है मंडी में हो रहा है। इस आंदोलन का तात्पर्य ये है कि हम किसानों को जो है जागरूक कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी तब तक आंदोलन करती रहेगी जब तक ये काला कानून जो है वापस सरकार ना ले। पिछले कल हमारे नेता राहुल गांधी पंजाब में थे और किसानों की आवाज़ में उन्होंने वहाँ जो है अपनी आवाज़ मिलाई। कांग्रेस पार्टी इस काले कानून के खिलाफ है और हम किसानों से स्वास्थ्य स्थापित करके उनसे ये इस बात का आग्रह करेंगे कि इस लड़ाई को तेज़ करें और इस काले कानून को जो है केंद्र सरकार वापस लें। सर, ये